Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. सो गाइज फाइनली वी हिट 10,000 सब्सक्राइबर ऑन आवर चैनल। बट इस कहानी की शुरुआत होती है 4 अप्रैल 2019, जब मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी। तो चलो मैं आपको उस जर्नी पे लेके चलता हूँ। जब हम किसी भी नए काम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है वो फर्स्ट डे जब आप उस काम को स्टार्ट करते हो। सेम ऐसा ही मेरे साथ यूट्यूब में भी हुआ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था कि वीडियो किस तरीके से बनाते हैं। ना मेरे पास कोई अच्छा कैमरा था, ना अच्छा माइक था। सो जब मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने सेम वीडियो 5-6 बार शूट किया, क्योंकि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं था, जिसकी वजह से ऑटो फोकस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। अच्छा माइक नहीं था, कभी कभार शोर आने लगता था इससे। फाइनल वीडियो मैंने शूट किया, वो मैंने अपने घर की छत पे किया। रात को करीब 8:30 या 8 बज रहे थे। उस टाइम मैंने एक LED लाइट जला के, मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प कराई और उसके बाद मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया। और उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, जब मैं वो शूट कर रहा था तो हमारे यहाँ जो घर आसपास जो लोग रहते हैं तो वो सब ऐसे देख रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा है, कि ये पागल है क्या। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर लोग ये सोचने लगें कि आप पागल हो तो समझ लो आप राइट पाथ पे जा रहे हो। आपको अपने काम पे भरोसा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ इम्प्रूव ही कर रहा हूँ अपने लिए। फाइनली वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद बात होती है एडिटिंग की। तो उस टाइम मेरे PC की स्पीड स्नेल से भी धीरे थी, क्योंकि आप 1 GB के रैम के अंदर प्रीमियर प्रो चला रहे हो, इतना हैवी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा धीरे चलता था। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट क्या होता था कि 5-5 मिनट की वीडियो के लिए मुझे 1-2 घंटे रेंडर के लिए वेट करना पड़ता था, और बहुत बार वो बीच में बंद भी हो जाता था, तो उससे भी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। और फाइनली फिर मैंने अपना वीडियो जो है YouTube पे अपलोड किया। और यहाँ पे मैं हर उस शख्स को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने उस टाइम पे मेरा साथ दिया। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने स्टोरीज लगा लगा के मेरे चैनल का स्वाइप अप डाला, शेयर किया, लिंक डाला, और उसके बाद मैं वीडियोस अपलोड करता गया। बट इतना अच्छा कुछ रेस्पॉन्स आ नहीं रहा था, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर नीच को लेके चल रहा था, विच इज़ स्ट्रीट फोटोग्राफी। लाइफ में अप डाउन सबके होते हैं, चीज़ें सबके चेंज होती हैं, माइंडसेट किसी का भी सेम नहीं रहता है, मेरा भी नहीं रहा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो कि मेरे लिए फोटोग्राफी थी, आज मैं खुश हूँ तो भी मैं फ़ोटो खींचता हूँ, अगर मैं दुखी हूँ तो भी मैं अपना कैमरा लेके निकल जाता हूँ। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ हमेशा रही है, चाहे मेरा अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फोटोग्राफी को कभी नहीं छोड़ता। हम सब एक चीज़ के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, वो है एप्रिसिएशन। मगर अगर आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जिसमें आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है मगर आपको खुशी मिल रही है और आप स्टिल उसको कंटिन्यू करते जा रहे हो, तो बिलीव मी आप उसमें बहुत लंबे टाइम तक आगे जाओगे। देन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ गैप मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने चैनल को एक न्यू बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं उनको और अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करता हूँ। बट इस बार सचिन भी अलग था और उसका माइंडसेट भी अलग था। मैंने दोबारा से अपने चैनल स्टार्ट किया और इस बार मेरे साथ कुछ नए लोग थे जिन्होंने मुझे पुश किया इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए। सो धीरे धीरे करके मैंने अपनी क्वालिटीज़ इम्प्रूव करी, अपना काम इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे अब सब्सक्राइबर गेन होने लगे, सही लोग कनेक्ट हुए। मैं आप सबसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अगर किसी भी पर्सन का आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है ना, तो बहुत ईजी है। आप ये देखो कि वो किन 5 लोगों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है। और मैं बिलीव करता हूँ अगर आपको ज़िंदगी में ग्रो करना है या लाइफ में ग्रो करना है तो आपको उतने ही पैशनेट लोगों के साथ रहना पड़ेगा जितने पैशनेट आप खुद हो, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। सो गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, मैं और मेहनत करूंगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा हैटिक हो जाती हैं बहुत बार, क्योंकि आई एम डूइंग लॉट ऑफ वर्क, और भी चीज़ें हैं, जॉब है, पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छा कंटेंट आप सबको देख पाऊं, आपकी लाइफ में और वैल्यू ऐड कर पाऊं। सो अगेन गाइज थैंक यू सो मच फॉर 10,000 सब्सक्राइबर। ये एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए कि 10,000 लोग मेरे पे भरोसा करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे समझते हैं, मेरे से कनेक्ट करते हैं। थोड़ी आगे आए हैं, अभी बहुत आगे जाना है, मगर उस आगे जाने में आप सबका साथ चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मंजिलों को छीन ले।
बट फोटोग्राफी में कभी मुझे नीचे उड़ चल नहीं वक्त कुछ नहीं उड़ रहे पत्ते कुछ नहीं गिरती भाई उड़ा दो यार पत्ते फोटोग्राफी अवार्ड्स मस्त बनाया तुमने अरे बना ऐसे ही बना मुझे फोटोग्राफी अवार्ड्स आई अवॉइड आई कांट अवॉइड